नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। आईएसआईएस ने वीडियो जारी कर भारत को दी धमकी। 22 मिनट के वीडियो में बाबरी कश्मीर, गुजरात और मुजफ्फरनगर का बदला लेने की बात। वीडियो में आईएसआईएस में शामिल होने गए भारतीय लड़ाके भी मौजूद। 26/11 के आरोपी लखवी समेत 6 लोगों पर चलेगा हत्या के लिए उकसाने का मामला। पाकिस्तान की एक आतंक रोधी अदालत ने दिया आदेश। 26/11 में 166 लोगों की हुई थी मौत। मेडिटेरियन समंदर में तैरता मिला इजिप्ट एयरलाइंस का दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा। 56 यात्रियों समेत 10 क्रू मेंबर थे सवार। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह ने जताया दुख। अमेरिकी विदेश नीतियों पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, अगर राष्ट्रपति बना तो चीन सही ढंग से आएगा पेश और अमेरिका का बन जाएगा दोस्त। चीन के साथ होंगे बेहतर आर्थिक रिश्ते। अमेरिका में तेजी से फैल रहा है जीका वायरस। 279 गर्भवती महिलाएं हुई संक्रमित। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने की खबर की पुष्टि। ईरान के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी के कार्यालय और संसद में घुसे प्रदर्शनकारी। इराकी धर्मगुरु मुक्तादा अल सद्र के थे समर्थक। प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण पाने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।